नमस्कार है, न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे करें गणेश विसर्जन? देश भर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन जब गणेश विसर्जन का समय आता है तो बप्पा को विदाई देने के लिए भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि बप्पा की स्थापना के बाद शुभ मुहूर्त में उनका विसर्जन भी जरूरी है। तो अब आपको बताएंगे कि गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि क्या है। तो हमारे साथ खास मेहमान टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जुड़ी हैं। बहुत स्वागत रंजना जी आपका। नमस्कार, सुप्रभात जी। रंजना जी नमस्कार। रंजना जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि गणेश विसर्जन कैसे करना है और शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले हम आज का उपाय बता देते हैं। आज का जो सुविचार है वो गणपति जी को मन में रखते हुए ही मैं बताना चाहती हूँ कि ना ही दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं और ना ही पास रहने से जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास है जो कि पक्के धागे की तरह जब भी हम उन्हें याद करें उन्हें हम अपने पास पाते हैं। गणपति जी भी उनका हम विसर्जन करके वो जरूर लौट जाएंगे, मगर हम जब भी उनको याद करेंगे वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। हम बताना चाहते हैं कि गणेश विसर्जन का जो अच्छा मुहूर्त है वो आज के दिन सुबह 6:12 से लेकर 7:42 पे है और दोपहर को 10:42 से लेकर सुबह 6:12 से लेकर 7:42 तक, दोपहर को 10:42 से लेकर 3:11 तक दोपहर को, और शाम को 4:41 से 6:11 तक है, और रात को 6:11 से लेकर 9:11 तक है। आज का ये जिस भी समय आपको सुविधा हो उस समय आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गणेश जी के जो विसर्जन के लिए हमको धीरे धीरे तैयारियां करनी पड़ेंगी हैं। 28 तारीख को उनका विसर्जन होना है और हम देखते हैं सबकी आंखें, जैसे हम कहते हैं वो नम है, मगर हमको एक जो चीज बहुत जरूरी है जो हमें गणेश चतुर्थी से पता चलता है वो ये है कि हम सब लोग मिट्टी से ही बने हुए हैं और मिट्टी में ही चले जाएंगे। यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है हमको गणेश चतुर्थी से सीखनी चाहिए। और हम ये देखते हैं कि गणेश चतुर्थी का, जैसे कि जिस दिन की अनंत चतुर्थी होगी उस दिन हम देखते हैं सुबह ही हमको अच्छे से स्नान वगैरह करने के बाद हमको एक पाटा लेना चाहिए जिसको हमको गंगा जल से एकदम शुद्ध कर लेना चाहिए और उसके बाद हमको उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। और ये हम देखते हैं कि स्वास्तिक बनाने के बाद उसको एक तरफ रख दीजिए और गणेश जी की जो प्रतिमा है उसकी हम उस दिन जरूर पूजा पाठ अच्छे से करें। और जितने लोगों ने भी 10 दिन तक ये गणेश जी को रखा हुआ है उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आज का दिन उनकी अच्छी से पूजा अर्चना जरूर करें। उनका 10 दिन तक जो हमने इतना सेवा भाव किया है, अगर फिर भी हमसे कोई चीज उनको भोग लगाने में भूल गए हैं हम, तो उसको हमें आज का दिन जरूर उनको अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अच्छे से उनकी पूजा आरती करनी चाहिए। और एक बात हम जरूर बताना चाहते हैं कि जब हम गणेश जी को उठाते हैं उनको बहुत ही श्रद्धा से बहुत ही अच्छे से उनको उठाना चाहिए, मगर उठाने से पहले भी कुछ ऐसे नियम हैं जो हमको करने चाहिए और वो ये है कि घर के अंदर सुख शांति रहे उसके लिए हम उनके कान में अगर हमारी कोई मनोकामना है वो जरूर एक बार फिर से कह भी सकते हैं। और उसके साथ साथ हमको उनको सिंदूर का एक तिलक लगाना चाहिए और वही तिलक हमको घर में जितने भी सदस्य हैं उनको भी अपने माथे पर लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि गुलाल भी हमको उनको लगाना चाहिए और घर में भी सबको हमको एक ये गुलाल जो है ये लगाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उनको हम फिर से पुष्प के साथ, धूप अगरबत्ती के साथ, अक्षत के साथ, उनका प्रिय मोदक के साथ उनका जरूर हमको अर्पित करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। और जब भी हम गणेश जी को उठाएं तो एकदम नहीं उनकी प्रतिमा को उठाना चाहिए, उनको एकदम हल्के से एक तुम्हारी हिलाकर उसके बाद ही उनको उठाकर हमें पाटे पर रखना चाहिए। और घर में जो बड़े हों उनका हाथ लगे तो अच्छा है, मगर घर में सारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद उनको उन्हें पाटे पर
बिठाना चाहिए। अब हम देखते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग बड़े एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गए हैं, तो इनके विसर्जन के लिए अगर बड़ी प्रतिमाएं हैं वो तो हमारे देखते हैं कोई नदी है, सरोवर है, तालाब है, उसके अंदर हम उनका विसर्जन कर देते हैं। मगर कई बार घर के अंदर ही उनका विसर्जन करना पड़ता है, जैसे कोई टब है या कोई बाल्टी है उसके अंदर या कोई गमले के अंदर उनका हम विसर्जन करते हैं। और उसके जब हम विसर्जन भी करते हैं उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब हम विसर्जन करें तो उनका जितना भी सामान है जो कि हमने उनको इतने दिनों तक अर्पित किया है उनकी हमें पोटली बना लेनी चाहिए और उनके साथ ही हमको अर्पित करना चाहिए उनको। और एक बात ये और ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे कि कई चीजें हैं, जैसे कि सुपारी है या चांदी का रुपया है, उसको हम अच्छे से धुलाई कर लें और वो सुपारी को इनको एक लाल कपड़े में बांधकर हम अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इनको जब हम अर्पित करें, जब हम इनका विसर्जन करें, एक ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वो ये है कि जब भी हम इनकी इनको हम पानी में डालें, तालाब में, नदी में या बाल्टी के अंदर भी डालें, तो एकदम नहीं डालना चाहिए, उनको तीन दफा अच्छे से उनकी हमें डुबकी लगानी चाहिए और उसकी उसमें उसके बाद उनका मुंह हमको चेहरे को हमारे मुख की तरफ उनको करना चाहिए, फिर उनकी हमें उनको विसर्जन करना चाहिए, उनकी पीठ का हमें दर्शन करते ही नहीं करना चाहिए। और जब हम उनको विसर्जन कर आ भी रहे हों तब भी हमको अपनी पीठ उनको नहीं दिखानी चाहिए, ऐसे ही शुरुआत में करना चाहिए। और बातें भी हैं जो हम आपको धीरे धीरे साथ साथ बताते रहेंगे। बिल्कुल रहना जी, अब बात कर लेते हैं कि पूजा की विधि किस प्रकार से रहेगी और अगर हम पूजा कर रहे हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए गणेश उत्सव एक ऐसा पर्व है, तमाम लोग अपने घरों में गणेश जी की जो मूर्ति है वो लेकर आते हैं और प्रतिमा को स्थापित भी करते हैं और एक विशेष महत्व भी बताया गया है, तो विसर्जन का वक्त है तो तमाम दर्शकों का जो संशय बना हुआ है वो दूर कर दीजिए। महत्व इनका बहुत ही ज्यादा महत्व है, गणेश जी जब भी आते हैं, जब भी पहली कोई भी हम पूजा करते हैं सबसे पहले हम गणेश जी की ही पूजा करते हैं। और जैसे हमने बताया है कि उनकी रोज हम जब पूजा करें तो जो भी उनकी प्रिय वस्तु है वो उन्हें हमें जरूर प्रसाद के रूप में उनको अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि मोदक है, दूसरे बेसन के लड्डू हैं या बूंदी के लड्डू हैं, उसके साथ साथ हमको कलश की भी स्थापना करनी चाहिए और जब हम विसर्जन करने चाहें उसके ऊपर जो कलश पे हमने नारियल रखा है उसका भी हमें विसर्जन करना चाहिए। मगर कई लोग उस नारियल को है उसको घर में ही प्रसाद के रूप में वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। पूजा पाठ में खाली हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हमको उनकी आरती करनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा अच्छे से जब हम पूजा पाठ उनकी करेंगे, धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, उससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। एक बात जरूर ध्यान करनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक ये होती है कि जितनी भी कि हमको गणेश जी को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए और बाद में जब हम विसर्जन कर लें, जैसे कि घर में अगर हमने विसर्जन किया है तो जितना भी उनका सामान है या सामग्री जो बच जाती है वो कभी भी तुलसी जी में नहीं डालनी चाहिए, ऐसा जब हम करेंगे इससे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और ये हम देखते हैं कि जैसे कई लोगों को संकट है, कई लोगों को काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको दही का और गुड़ का भोग उनको रोज जरूर लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ आज का दिन तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जितनी भी हमारी दिक्कतें आ रही हैं वो हमारी खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कई लोग जो बहुत ही दिनों से रोग से ग्रसित हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि गणपति जी को आज वो पंचामृत से उनका अभिषेक करें, ऐसे करेंगे तो जितने भी उनके रोग हैं उनसे वे निवृत्त अवश्य हो जाएंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के भी घर के अंदर थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा भी है उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि गाय का कच्चे दूध से गणेश जी का इनको अर्पित करना चाहिए, उससे इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जितने भी लोग भौतिक सुख चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि आज का दिन 5 प्रकार के लड्डुओं का उनको भोग अवश्य लगाएं, इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ ये देखा गया है कि आज के दिन विसर्जन के बाद या आज के दिन वैसे भी अगर 10 दिनों में किसी ने नहीं किया तो आज का दिन जरूर छोटी छोटी प्रतिमाएं आप गणेश जी की सब लोगों को अवश्य बांटें, इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके आसपास घर परिवार में बहुत ही ज्यादा आपको सुख और समृद्धि अवश्य मिलती है। जितने हर्ष और उल्लास के साथ हम इनको अपने घर में आमंत्रित करते हैं हमको ये याद रखना चाहिए उतने ही हर्ष और उल्लास के साथ हमको अपने सब घर के जो सदस्य हैं, हमारे रिश्ते,
रिश्तेदार हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, इन सबको हमको आज का दिन भी जिस दिन हम विसर्जन करेंगे उनको जरूर आमंत्रण करना चाहिए और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ और बहुत ही आदर और सत्कार और श्रद्धा पूर्वक हमको उनकी विदाई करनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा ये जो दिन होता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई रहता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कई लोगों को संतान को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस दिन आप विसर्जन करें जरूर आप गणेश जी को 21 पुष्प अर्पित करें और जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनके सामने अवश्य करें, इससे बहुत ही ज्यादा उनके लिए लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जितने लोगों को भी और भी तरह की जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम गणपति की पूजा करें हमको उनको दुर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा गणेश जी की प्रिय है और दुर्वा को अर्पित करने से वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मगर 10 दिन तक जो भी सामग्री हमने उनको अर्पित की है जब हम विसर्जन करने जाएं उसको हमें एक छोटी सी पोटली में बांध लेना चाहिए और उसके साथ जब हम विसर्जन करने जाएं उनके साथ ही जो वो पोटली है उनको उनका हमें विसर्जन कर देना चाहिए। और जब भी हम विसर्जन कर रहे हैं हमको गणपति के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और जो भी हमसे भूल चूक हो गई है उसके लिए हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे यही आग्रह करना चाहिए कि अगले वर्ष तुम जल्दी आ। कहते हैं गणपति पप्पा मोरिया, अगले बरस तुम जल्दी आ। ऐसे कहते हुए प्यार से आदर पूर्वक उनकी विदाई करनी चाहिए, इससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। जरूर ये ध्यान करना चाहिए कि जितने लोग भी घर में या बाल्टी में या गमलों में कर रहे हैं उनको अच्छे से पानी में जब हम विसर्जित कर दें 2-3 दफा दिन में पानी को हिला देना चाहिए। 2-3 दिन में ही वो पानी जो है वो घुल जाएगी मिट्टी और वो फिर हमको अपने गमलों में या क्यारियों में उनको डाल देना चाहिए। मगर तुलसी जी में कभी भी इनको नहीं डालना चाहिए क्योंकि तुलसी जी गणेश जी को अर्पित नहीं होती है। और जो भी सुपारी है या चांदी का रुपया है उसको हमें अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। गणेश जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर डेफिनेटली बना रहेगा और हमको उनसे बहुत ही ज्यादा लाभ अवश्य मिलेगा उनके आशीर्वाद से। जितने भी हमारे विघ्न हैं वो सारे हमारे खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कहता है सुख करता दुख हरता विघ्न हरता गणेश जी, जरूर हमारे घर फिर से आए और हमारी जितनी विपदाएं हैं उनको अपने साथ ही ले जाएं और हमारे घर के अंदर सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। बिल्कुल अनीना जी, अब बात कर लेते हैं। हालांकि आपने यहाँ पर जिक्र भी किया है और बताया भी है कि जो लोग घर पर गणेश जी को लेकर आते हैं तो वो विसर्जन किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हम क्योंकि देखिए तमाम भक्त जो हैं वो घर पर गणेश जी को लेकर आए हैं तो ये जानना चाहते हैं कि अब विसर्जन करना कैसे है, और जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो नहीं जा सकते हैं विसर्जन के लिए वो क्या करें। देखिए उनके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि उनको एक बाल्टी लेनी चाहिए और जैसे कि बताया है कि बहुत ही आदर पूर्वक हमको गणेश जी को एक बारी हिला के फिर प्यार पूर्वक आदर से और श्रद्धा से उनको जो बाल्टी है या टब है या कोई गमला है उसमें उनको डालना चाहिए, उनका विसर्जन करना चाहिए। और ये बताया जाता है कि कई बार ऐसे कोई केमिकल्स होते हैं जिनको थोड़ा सा हम डालें तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर फिर भी हम लोग क्योंकि हम प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा आजकल सब लोग जागरूक भी हैं और हमको सबको ध्यान भी रखना चाहिए। कई लोग अमोनियम बाइकार्बोनेट डालते हैं मगर फिर भी हम इनको यही सजेशन देते हैं कि 2-3 दिन में वैसे ही जो गणपति हैं वो खुल जाएंगे, इससे बिल्कुल भी इस तरह की चीजें ना डालें। दिन में 2-3 दफा उनको आप अच्छे से हिलाते रहिए, प्यार से जैसे कि सहलाते हैं ऐसे करती रहिए। 2-3 दिन के अंदर ही अगर हम टब में डालेंगे या हम बाल्टी में डालेंगे या हम गमले में डालेंगे ये वहां पर एकदम इनका विलीन हो जाएंगे, जो डस्ट है जो मिट्टी है उसके अंदर ही ये समा जाएंगे। और उस मिट्टी को हम अच्छे से मिक्स कर घर में सब तरफ घर में क्यारियों में या जितने भी गमले हैं उसमें अगर डालेंगे तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए शुभ रहेगा। क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं वो इसी तरह के गणपति लेके आते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जो कि प्रकृति के हिसाब से जो होता है वैसे ही रहते हैं। एंड वैसे भी वही बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही गणपति जी से हम यही सीखते हैं, इस जो पूरी जो गणपति गणेश चतुर्थी से यही सीखते हैं
कि हम मिट्टी से ही आते हैं, जैसे कि उनकी प्रतिमा मिट्टी से बनती है और हम लोगों का सबका शरीर भी मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। ये सबसे बड़ा संदेश जो हमको ये सिखाने आते हैं, बताने आते हैं कि जितने दिन भी आप रहो इस जिंदगी में, आप सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, खुशहाली से रहो और जीवन को अच्छे से इंजॉय करो, काम भी करते रहो, मगर एक दूसरे के साथ प्यार और प्यार का जो ये संदेश देकर जाते हैं गणपति जी, और हर्ष और उल्लास का संदेश देकर जाते हैं, हमें इसको याद रखना चाहिए और अपने पूरे जीवन को ही बहुत ही अच्छे से निभाना चाहिए, काम भी करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपने रिश्तों को सदैव निभाना चाहिए। बिल्कुल अनिना जी, अब तमाम दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो क्या उपाय कर सकता है, और गणेश विसर्जन के दिन क्या कुछ उपाय उन्हें करने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानी आ रही है, या फिर बिजनेस को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, या फिर संतान को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, तो ये हम देखते हैं कि जैसे कई लोगों को नौकरी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो गणेश विसर्जन वाले दिन गणेश जी को जरूर सिंदूर का तिलक लगाएं और ये जो तिलक है अपने माथे पर भी जरूर लगाएं। ऐसा करने से अगर हमारी जो भी मनोकामना है उनके सामने आप रखें, उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जिन लोगों को घर में जैसे कि पूजा पाठ में जो हम देखते हैं कि वैसे भी कोई संकट वगैरह चल रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको गणेश जी का अभिषेक आज के दिन कच्चे दूध से करना चाहिए। और जितने लोगों को जैसे कि हम देखते हैं भौतिक रूप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि 5 प्रकार के लड्डुओं का भोग गणेश जी को लगाएं और उनको फिर आप आसपास उनका वितरण कर दें, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। और इससे इसके साथ साथ हम देखते हैं कि संतान को लेकर जब किसी को दिक्कतें आ रही हैं, तो आज का दिन बहुत जरूरी है कि गाय को जाकर खाएं, हरी घास भी खिलाएं, जो दुर्वा सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करें, फिर वो घास जो ऐसी घास जो है वो आप गाय को जाकर खिलाएं। और इसके साथ साथ आज के दिन गुड़ और दही का भोग अवश्य गणपति को लगाएं, आज भी लगाएं, और हमेशा अगर आप बुधवार वाले दिन लगाएंगे उससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। संतान को लेकर जो भी आपकी दिक्कतें हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, उनकी एडमिशन की है या और कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जिन लोगों को जो रोग ग्रसित हैं, काफी देर से रोग ग्रसित हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आज का दिन पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक अवश्य करें, इससे बहुत ही ज्यादा उनको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो नारियल है जो वहां पे रखा हुआ है उसको भी अगर हम तोड़कर घर के अंदर प्रसाद के रूप में खाएंगे, उससे भी बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। और जो बिजनेस जिन लोगों के नहीं चल रहे, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम यही बताना चाहते हैं जो सुपारी आपने गणेश जी को अर्पित की है उसको अच्छे से धुलाई करके लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख दें और रोज ओम गं गणपताय नमः का मंत्र 108 बार करना शुरू कर दें। उससे जितने भी विघ्न आ रहे हैं आपके लिए वो सारे आपके खत्म हो जाएंगे और आपका जो व्यवसाय है बहुत ही अच्छे से चलने लग जाएगा। और इसके साथ साथ जो हम देखते हैं कभी ये चांदी का रुपया भी जैसे अर्पित किया जाता है या चांदी की कोई भी वस्तु गणेश जी को अर्पित की जाती है, उसको भी अच्छे से धुलाई कर आप अपनी तिजोरी में रख देंगे, उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और घर में सुख परिवार में प्रेम बढ़ा रहे, सबका बना रहे, प्रेम पूर्वक और खुशियां आती रहे, उसके लिए गणेश जी को गुलाल अवश्य लगाएं और घर परिवार में भी सबको ये गुलाल अवश्य लगाएं। इसके साथ साथ अपने घर के अंदर, अपने सामाजिक क्षेत्र में अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, सबसे प्रेम भाव बढ़ाने के लिए आज का दिन गणेश जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं जितने लोगों के भी आप वितरण करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। छोटे छोटे उपाय हैं बट बहुत ही ज्यादा कार्यकृत हैं, इनको अगर आप अच्छे से करेंगे इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी असीम कृपा आपको अवश्य मिलेगी। बिल्कुल आईना जी, इसके साथ साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है और वो ये है कि गणेश जब, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ओवर टू यू। बिल्कुल अन्ना जी बताइए। हाँ, वेद व्यास जी जब 10 दिन तक महाभारत की कथा लिखवा रहे थे तो गणेश जी ने,
जो पुरानी कथा ये है कि जब वेद व्यास जी महाभारत की कथा लिख रहे थे तो गणेश जी ने 10 दिन में अक्षर के अक्षर वर्ड बाय वर्ड उन्होंने जो महाभारत की कथा लिखी, मगर जैसी ये कथा इन्होंने लिखी जब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा उनका तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए उनको जाकर उन्होंने एकदम सरोवर में जाकर उनका स्नान कराया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं ये 10 दिन की प्रथा शुरू हुई जबकि उनकी उनको जो ये दिक्कतें आई और वेद व्यास जी ने उसके बाद उनके ऊपर सौंधी मिट्टी का लेप लगा दिया और उनको जो भी चाहिए हो जैसे भी चाहिए हो उन्होंने हर उनकी मनोकामना पूर्ण की, उनको जैसा भी जो खाना था वो किया ताकि उनका तापमान बिल्कुल ना बढ़े और इसी हिसाब से हमने उनकी पूजा पाठ की और 10 दिन के लिए उन्होंने जो भी ये महाभारत की कथा लिखी थी उसके बाद जो भी इनके अंदर एकदम थकावट आ गई थी और इतनी मेहनत से जो इन्होंने काम किया था उसी के लिए हम देखते हैं ये 10 दिन जो है उसमें वेद व्यास जी ने जैसे उनकी पूजा की थी उनको उनकी मनपसंद चीजें दी थी उसके साथ साथ हम देखते हैं हम सब भी इसी तरह करते हैं और 10 दिन बाद उनको शीतल जल में उनको हम विसर्जित कर देते हैं। तो ये हम देखते हैं ये कार्य हम अनंत चतुर्दशी के दिन ही करते हैं जैसे कि वेद व्यास जी ने किया था। बिल्कुल अनिना जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हवन यज्ञ का यहाँ पर क्या महत्व रहता है क्योंकि गणेश विसर्जन से पहले कुछ लोग हवन भी करते हैं। देखिए हवन तो हमारे जो हिंदू धर्म है उसकी नींव है, जरूर पूजा पाठ हवन हमको करना चाहिए और कोई भी पूजा पाठ जैसे कि अब आगे चलकर हमारे कितने सारे त्योहार आ रहे हैं उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है और हवन जब भी हम जब करते हैं उसमें सबसे पहले गणेश जी का ही आह्वान करते हैं, तो इसलिए इनका इस टाइम हवन करने से जो भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है या उसकी जो हवन सामग्री में जो सामान पड़ता है उससे जो भी सुरभि उठती है वो सारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म कर देती है ताकि हमारे घर में एक शुद्धता हो जाए और आने वाले जितने भी हमारे त्योहार हैं वो अच्छे से हमारे हम निभा सकें। हवन करने से घर की जो हवन से जो सुरभि निकलती है जिसको धुआं भी कहते हैं उससे हम देखते हैं जितने भी कीट होते हैं जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं या नकारात्मक ऊर्जा है वो एकदम खत्म हो जाती है और इसका जो असर है 1 महीने तक हमारे घर में जरूर रहता है। इसे गणेश चतुर्थी वाले दिन जरूर हम गणेश जी के जब अनंत चतुर्दशी वाले दिन हमको जरूर हवन करना चाहिए। अगर पूरे 10 दिन जब तक कि गणेश जी हमारे यहाँ रहे हैं अगर हम पूजा पाठ करके हवन करेंगे और उनकी आरती करेंगे इससे बहुत ही ज्यादा हमको गणेश जी का आशीर्वाद रहेगा और घर में सुख शांति जरूर बनी रहेगी क्योंकि हवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और पूजा पाठ का हमको और भी ज्यादा उसका इफेक्ट अच्छा लगता है हमारे लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उनका आशीर्वाद भी जरूर आता है। बिल्कुल अंजना जी, अब अंत में गणेश विसर्जन की जो आरती है वो किस प्रकार से हम करेंगे और जो पूजा की थाली है उसमें क्या क्या सामग्री होगी? देखिए गणेश जी की बहुत ही जरूरी बहुत ही प्रेम पूर्वक हमको उनकी आरती करनी चाहिए। मेरे में मन में भर आया है ये कहने के लिए कि गणेश जी को अब हम विसर्जन करने जाएंगे उससे मेरा मन भी भर आया है और हम यही बताने हैं अच्छे से वो आरती रखना चाहिए, उसमें उनको अच्छे से पुष्प लगाने चाहिए, धूप अगरबत्ती जो दिया जलाना चाहिए और उसके अंदर कपूर हमको डालना चाहिए, अच्छे से गुलाब की पत्तियों से हमको सजानी चाहिए अपनी थाली और उसके अंदर अक्षत रखना चाहिए, साथ में सिंदूर रखना चाहिए और उसके साथ साथ हम देखते हैं अक्षत के साथ जब हम उनकी सबसे पहले आरती पूजा करेंगे उसके बाद सबसे पहले उनको हम सिंदूर से तिलक लगाएंगे अक्षत लगाएंगे और उसके साथ साथ उनको पुष्प अर्पित करेंगे और उनका बहुत ही हर्ष के साथ आदर सत्कार के साथ उनकी आरती करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और बिल्कुल खुशी खुशी नाचते गाते जैसे हम उनको घर लेके आए हैं वैसे ही प्यार से हम उनको भेजें ताकि वो अगले वर्ष हमारे घर जरूर आए। बिल्कुल अनिना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।